हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो, होप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों हम जा रहे हैं आज अपने गांव से ऊपर वाले गांव में। मेरे साथ है पीछे से ईशु दीदी और उषा दीदी। गाइस भी मुझ पा रही है ये उषा दीदी, मैं बड़ाई क्या तो गाइस मैं सबको आजकल दीदी बोलती हूँ ना, तो ये मेरे से बड़ी है इसलिए मैं उसको भी दीदी ही बोल रही हूँ। तो दोस्तों चलते हम, और बारिश लगी है इसलिए छत्तर लेके जा रही हूँ मैं। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं ऊपर। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पर, देख सकते हो। और यहाँ पे पल्लम, इस पे सबकी नज़रें पड़ी हुई है बट कोई आ जा नहीं सकता गाइस, थोड़ा अजीब है। और ऊपर से तो दोस्तों अभी पहुंच चुके मेरे गांव वाले सब लाइन में आ गए। हम आ गए थे पहले, और इसको देखो यहाँ पर, एंड यहाँ पे खिलाया जा रहा है खाना। हम तो खाना खा चुके हैं बट इन लोगों ने। तो दोस्तों मैं अभी आ चुकी हूँ यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पे सब बैठे हुए, खाना वाना खा लिया है और यहाँ बैठे हुए खाए हम लोग। तो गाइस देखो इसको, देखो वहाँ पे कैसा मुँह छुपा रही है ये, गाइस जानबूझ के किया है ऐसा इसने मुँह। दोस्तों इन पलमों पे नज़र हम सब की पड़ी थी, और अभी के टाइम पे जितने भी यहाँ पे आए थे सब यहाँ पे चले गए। छोटे छोटे बच्चे देख सकते हो आप, खाली कर देंगे ये पूरा ही पेड़ आज लगता है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं घर को, तो गाइस चलते हैं घर को। और मौसम हो गया अभी बिल्कुल साफ यार, फालतू में लाया हमने छत्ता, कौन उठाएगा अब, पहले बारिश हो रही थी इसलिए। तो दोस्तों हमें जंगल से होकर जाना पड़ रहा है, और यहाँ पे हमें रास्ता पता नहीं है, और हम यहाँ पे भटक चुके हैं। करते हैं यहाँ यार, अब हम कहाँ, हम रास्ता ही भूल गए भगवान, पता नहीं कहाँ से रास्ता यार, क्या हो रहा है। एक तो इतना घना जंगल है, यहाँ से पता भी नहीं लगेगा कहाँ से। दोस्तों क्या खतरनाक रास्ता है, देख सकते हो पहाड़ों में ऐसा ही होता है गाइस। देखो दोस्तों तभी बोलते हैं नीचे गाइस घूमते हुए, ये यार रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ देख सकते हो बारिश हुई है, और ये पत्ते सारे इकट्ठे हो गए यार, मतलब गिर रहे हैं इसको तो हर कहीं पे गाइस, मतलब क्या ही बताऊं मैं। अब आप लोग नाच रही है सारी बंद करना।